बच्चे हो या बड़े हो, सभी को बहुत पसंद आते हैं गार्लिक ब्रेड बटर, तो आज हम वही बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें गार्लिक लेने पड़ेंगे और गार्लिक को हम इस तरह से कूट के क्रश करेंगे। कुछ लोग काट लेते हैं, अगर आप काटना चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन कूटने से इसका फ्लेवर ज़्यादा निखर के आता है। अब हम बटर लेंगे एक बाउल में और उसमें कूटे हुए गार्लिक को डाल देंगे। इसे सारे गार्लिक को डालने के बाद हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और कुटी हुई ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्च। सारे को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद हम ब्रेड लेंगे, तो हमें चार ब्रेड चाहिए, चार स्लाइस हम ब्रेड के ले लेते हैं। और दो में मोजरेला चीज़ ग्रेट करके डाल दिया है। आपके पास क्यूब वाला हो तो आप क्यूब चीज़ भी डाल सकते हैं। दो जो बाकी बचे हैं ब्रेड, उसमें हम इसको स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद गैस पे पैन रखेंगे और स्प्रेड किए हुए भाग को हम नीचे की ओर करके पैन में डाल देंगे। अब चीज़ वाले ब्रेड को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर भी हम गार्लिक बटर का पेस्ट ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। एक मिनट तक सेकेंगे और सेकने के बाद दूसरी ओर पलट कर भी हमें एक मिनट तक सेक लेने हैं। ये तुरंत तैयार हो जाता है झटपट, तो इस तरह से हम पलट देंगे और इसको भी एक मिनट तक सेकेंगे। सेकने के बाद हम निकाल लेंगे। पैन से निकालने के बाद दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। एक एक मिनट दोनों साइड में हम सेक लेंगे इस तरह से स्प्रेड करके। तो ये भी तैयार हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से। ये देखिए, इसमें चीज़ भी मेल्ट हो चुका है, ऊपर से भी कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की एक झटपट वाली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।